फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग ठीक होंगे और आपकी स्टडी अच्छे से चल रही होगी। तो आज हम बात करेंगे अपने डाइजेस्टिव सिस्टम के एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट के बारे में। इट इज़ आपको फिगर्स डायग्राम से लग रहा होगा कि हम आज तीत के बारे में बात करेंगे। तो हम आज तीत के बारे में बात करेंगे। इस तीत से सब लोग इसके बारे में जानते हैं। आज हम इसके स्ट्रक्चर और इसके कौन कौन से पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं, उसकी मतलब स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसकी क्वालिटी क्या, सबके बारे में बात करेंगे। तो जो हमारे हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो टू पार्ट्स में होता है। तो उसका एक पार्ट होता है एसेसरी ग्लैंड। जो एसेसरी ग्लैंड होता है वो थ्री पार्ट्स में डिवाइड होता है। एक सलाइवरी ग्लैंड, सेकंड इज लीवर एंड थर्ड इज पेनिस। ठीक है, तो आज हम ये जो हमारा टीथ, टंग्स, ये सब जो भी होता है वो सलाइवरी ग्लैंड्स में प्रेजेंट होता है। तो आज हम इसे सलाइवरी ग्लैंड की एक पार्ट बक्कल कैविटी की एक पार्ट टीथ के बारे में बात करेंगे। तो सलाइवरी ग्लैंड जो होता है, ये जो होता है कि बक्कल कैविटी में प्रेजेंट होता है। और आज हम बक्कल कैविटी की एक पार्ट टीथ के बारे में पूरी डिटेल में जानकारी लेंगे। तो ये स्ट्रक्चर है टीथ का। मेरी फिगर तो काफ़ी अच्छी नहीं है, बट आई विल ट्राई कि आपको सारे स्ट्रक्चर के बारे में अच्छे से डिफाइन आंसर मिले। आप जब फिगर बनाइएगा तो इससे अच्छा ही बनाइएगा। ओके, मुझे पता है कि आप अच्छा फिगर बनाते हैं। मेरी तो राइटिंग भी अच्छी नहीं है और फिगर्स भी मुझे अच्छे बनाने नहीं आते। सो बट मैं एक्सप्लेन अच्छा कर सकती हूँ। तो आप लोग एक्सप्लेनेशन को ध्यान दीजिए, फिगर आप कहीं और से बना लीजिएगा। तो ठीक है, तो हम ये हमारा ये ह्यूमन का टीथ है। तो इसके तीन पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट इज डेंटिन। ये जो होता है, ये जो बाहर वाला स्ट्रक्चर है, ये पार्ट, इसको हम डेंटिन बोलते हैं। ये जो होता है कैल्शियम फॉस्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। जिसकी हमारी बॉडी बनी होती है उसी पार्ट का ये भी बना होता है, कैल्शियम फॉस्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये वाला जो पार्ट है ये बना होता है। यही इसी केमिकल से हमारी बोन्स भी बनी होती है, लेकिन ये बोन्स से ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होते हैं, क्योंकि इसके जो कैल्शियम फॉस्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो एक दूसरे से काफ़ी स्ट्रांगली बॉन्ड द्वारा जुड़े होते हैं। तो अब हम इसके पार्ट्स के सेकंड पार्ट्स के इसका जो क्राउन मतलब ऊपरी वाला भाग, ये जो पार्ट है इसका, इसको हम क्राउन बोलते हैं, यहाँ से यहाँ तक का। और ये जो सेकंड बीच में थोड़ा सा दबा हुआ पार्ट है, इसको हम लोग नेक बोलते हैं। ये नेक हो गया, ये रूट हो गया, ये नेक, ये क्राउन और ये रूट, ये तीन पार्ट्स हो गए। ये डेंटिन इसका सबसे बड़ा पार्ट है, लेकिन इसको थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। अब हम डेंटिन अब इसके सारे पार्ट्स के बारे में स्टडी कर लेते हैं। तो देखिए, ये जो सबसे ऊपर वाला पार्ट है जिससे हम लोग टच करते हैं, जो हमारे जीभ द्वारा या फिर हम कुछ खाते हैं तो जिस पे पड़ता है वो वाला पार्ट है, इसको हम लोग बोलते हैं इनैमल। इट इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी। हमारी बॉडी में जो सबसे मजबूत अंग होता है वो इनैमल होता है, ये सबसे स्ट्रांग होता है। ठीक है, और ये सेकेंड पार्ट हो गया डेंटिन। जिस चीज़ का डेंटिन बना होता है उसी चीज़ का इनैमल बनाता है। तो मैंने अभी क्या बताया था कि डेंटिन किस चीज़ का बनाता है, क्या कैल्शियम फॉस्फेट है, कैल्शियम कार्बोनेट। जी हाँ, तो ये सबसे स्ट्रॉन्गर होता है, उसके बाद ये, उसके बाद हमारा बोन। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं कि ये जो इसमें जो ये वाला पार्ट है, ये जो ऐसे धसा धसने वाला पार्ट है, इसी ये है गम्स, मतलब मसूर, जो हम लोग मसूर बोलते हैं उसको गम। तो इसी में हमारा जो दांत है वो धसा रहता है, ये जो पार्ट है इसी में हमारा दांत धसा रहता है। तो इसमें जो हमारा दांत धसा होता है तो इसी के कारण ये इसमें फिक्स होता है। तो इसको फिक्स मतलब दांत को, और जो हमारे दांत टीथ हैं और जो हमारे मसूर है उसको हम लोग सीमेंट्रम द्वारा फिक्स करते हैं। जैसे नाम से ही पता चला कि सीमेंट किसी चीज़ को जोड़ने के काम में आता है, उसी तरीके से सीमेंट्रम हमारे दांत को और हमारे मसूरों के जो मसल्स होते हैं उसको एक दूसरे में अटैच करने का काम करता है। और इसमें एक फाइबर्स पाए जाते हैं, स्पार्पिस फाइबर, और इसका जो रूट पार्ट होता है, ये जो रूट है ये गम में प्रेजेंट होता है। और ये वाला पार्ट देखिए, ये जो बीच में एक पार्ट होता है इसको हम लोग बोलते हैं पल्प कैविटी। ये पल्प कैविटी है। ये इस पार्ट में क्या होता है कि ये एक जैसे कि स्ट्रक्चर बनाता है जिसके अंदर ब्लड वेसल्स पाई जाती है। जैसे कि पायरिया वायरिया हो जाता है तो दांत में से खून निकलता है। दांत तो जैसे कि डेंटिन और इनैमल का बना है तो उसमें ब्लड वेसल्स होंगी तभी ना उसमें से खून निकलेगा। तो ये मसल्स जो होती हैं ये इनैमल के मतलब बल्ब कैविटी के अंदर जो है ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं। ठीक है, और जहाँ पे ये मसल्स और ये पल्प कैविटी जुड़ी होती हैं उस स्थान को हम लोग कहते हैं रूट कैनाल। वो स्थान क्या कहलाता है, रूट कैनाल। ठीक है, अब हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स के बारे में, अब अगर इसका मैंने नोट्स बनाया है, अगर आप उसके नोट्स को चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए, उसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए एंड द सेकेंड पेज आप इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ओके, या फिर
वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। ये सब वही वर्ड्स हैं जो मैंने अभी आपको वीडियो में बताए हैं, सेम वर्ड्स हैं, आपको याद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आपने मेरे लेक्चर को ध्यान से देखा है तो। अब हम कुछ स्पेशल क्वालिटीज़ के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, जो शार्क होता है, जैसे कि हम सब जानते हैं कि हमारे मुंह में दांत मतलब दो बार ग्रोन होते हैं, एक बार गिर जाते हैं बचपन वाले दांत जो जैसे मिल्क टूथ कहते हैं, उसके बाद हमारे सेकंड दांत आते हैं, तो उसको इस ये जो क्वालिटी होती है ह्यूमन की, इसको कहते हैं डाइफोडेंट। ठीक है, डाइफोडेंट मतलब कि जो सारे मैमल्स होते हैं उसमें ये क्वालिटी पाई जाती है कि एक बार दांत गिर जाते हैं दूसरी बार आते हैं। लेकिन शार्क जो होता है उसके दांत मल्टीपल चांस में मतलब मल्टीपल बार वो ग्रोन कर सकते हैं, मतलब कि एक बार उसके दांत गिर गया फिर जामेंगे फिर गिरेंगे फिर उठ जामेंगे फिर गिरेंगे फिर जामेंगे ऐसे। तो ये शार्क की स्पेशल क्वालिटी होती है। अब हम बात कर लेते हैं ह्यूमन में टाइप ऑफ नंबर एंड टीथ की। तो हम सबको पता है कि हमारे मुंह में चार प्रकार के दांत पाए जाते हैं। हिंदी में तो हम लोग कृंतक, रगनक, अग्रचय, वड़क, क्षवड़क कहते हैं। उसी तरीके से इंसीजर, कैनिन्स, प्रीमोलर और मोलर। ये हो गया नीचे वाले, जब मतलब कि ये एक जबड़े के दांतों की संख्या के 4, 6, 4, 10, 12, 4, 16 नीचे वाले जबड़े में, 16 ऊपर वाले जबड़े में। लोअर जबड़ा मतलब हमारा जो लोअर वाला जब जॉ होता है उसको हम लोग मैंडिबल्स कहते हैं, और जो अपर वाला होता है उसको मैक्सिला कहते हैं। नीचे वाले को मैंडिबल्स और ऊपर वाले को मैक्सिला। तो देखिए, अगर हम अपने मतलब कि एक साइड में चार पाए जाते हैं, तो अगर हम अपने जो हमारे जो नीचे वाले जबड़े उसको हाफ कर दें या फिर जो ऊपर वाला जबड़ा उसको हाफ कर दें, नीचे वाला जबड़ा हो चाहे ऊपर वाला जबड़ा, दोनों में दांतों की संख्या जस्ट सेम होती है, तो हमारा इंसीजियर हमारे पास 2 बचेगा एक साइड, ठीक है, और हमारे पास कैनन्स भी 2 बचेगा। और ये नो देखिए, इंसीजियर तो 2 हो जाएगा और ये कैनन्स जो होता है वो 1 हो जाएगा, ठीक है, और ये प्रीमोलर जो होता है ये भी 2 हो जाएगा और जो मोलर होता है वो 3 हो जाएगा। तो इस हिसाब से हम लोग टोटल एडल्ट्स के लिए माउथ टिथ फार्मूला लिख सकते हैं 2 1 2 3 अपन 2 1 2 3। अब ये नहीं है कि 2 1 2 3 अपन 2 1 2 3 को हम क्रॉस करके आंसर ला दे 1 की ह्यूमन में 1 दांत 1 टिथ पाए जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बस एक रूल है कि आपको याद रहे और इसको टिथ फार्मूला कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको आप स्पेशली नोट डाउन करके इंपॉर्टेंट में लिख लीजिए। और जैसे कि हमारे में मिल्क टूथ पाया जाता है, तो मिल्क टूथ तो जब बच्चे छोटे रहते हैं तो उनमें तो 32 दांत होते नहीं है, तो उनमें जो है कि नीचे वाले जबड़े में 4 इंसीजियर, 2 कैनन्स, उसमें प्रीमोलर नहीं पाया जाता और मोलर जो है वो 4 पाया जाता, लास्ट वाला मोलर जो है वो नहीं पाया जाता। तो इस प्रकार से इनमें दांतों की संख्या हो जाएगी, इनके अंदर दंत सूत्र हो जाएगा 2102 अपॉन 2102, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं क्वालिटी ऑफ ह्यूमन टीथ, मतलब कि जो ह्यूमन टीथ है उस पर स्पेशल क्वालिटी क्या होती है। ये मोनोफाइडोडेंट होते हैं, मतलब क्या होता है कि जो इनमें मतलब कि बच्चों जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें जो प्रो मोलर का लास्ट वाला बाद में ग्रोन हो करता है और जो प्री मोलर रहता है वो रहता ही नहीं बच्चों में। तो इस प्रकार की क्वालिटी जो पाई जाती है, मतलब जो इतने दांत दोबारा नहीं उगते हैं, इस क्वालिटी को कहते हैं मोनोफाइडोडोंट, ठीक है। और इसके बाद हो जाता है हेट्रोडोंट, मतलब कि वे दांत मतलब कि वे प्रकार के जीव जिस मतलब उस प्रकार के जीव जिसमें दांतों के दांत जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पाए जाते हैं, जैसे हम लोगों में 4 टाइप के दांत पाए जाते हैं उसे हेट्रोडोंट कहते हैं। अब सब में ये नहीं पाए जाते, जैसे कि शार्क है उसमें बस एक टाइप, मतलब कि उसमें बस सिंपल टाइप के मतलब सब दांत जस्ट लाइक ऐसे, देखिए ऐसे स्ट्रक्चर रहेगा, उसके बाद ऐसे 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 उसमें दांत पाए जाते हैं, उसमें कोई स्पेस कोई मतलब उसका अलग अलग मतलब कि ये दांत इस तरह के ये दांत इस तरह के ऐसा कुछ नहीं होता। अब हम बात कर लेते हैं थियोडोंट, ये जो होता है कि ये जो हमारे जैसे हमारे ये दांत का स्ट्रक्चर है, जैसे हमने यहाँ देखा था हमारे दांत के स्ट्रक्चर हैं, तो ये जो दांत के स्ट्रक्चर हैं ये ऐसे गम्स में धंसे हुए हैं, यहाँ पर पूरा गम्स भरा है ये इसमें धंसे हुए हैं। तो इस प्रकार ये ऐसा नहीं है कि कोई सरफेस है उसी पे ले जाके रख दिया गया और ये चिपक गया है और कोई मार देगा तो निकल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, ये इसमें धंसा रहता है, तो इसको कहते हैं थियोडोंट, ठीक है। अब ये हो गया टाइफोडेंट, ये तो वही है कि मतलब कि दो बार दांत आते हैं, ये जो क्वालिटी मैंने आपको अभी ऊपर बताई वही क्वालिटी है। तो ये हमारे दांत के बारे में फुल इन्फॉर्मेशन हो गई। अगर आपको इसमें से कुछ भी ना समझ में आया हो तो मुझे कमेंट कीजिएगा। तो फिर मैं थैंक यू फॉर द वॉचिंग माई वीडियो एंड बाय।